नमस्कार, गुगली में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया की। टीम इंडिया की जो इंग्लैंड पे शानदार जीत हुई है, उसके बाद टीम इंडिया जो है दुनिया की या कहें क्रिकेट वर्ल्ड की नंबर वन टीम बन गई है। बिल्कुल, सबसे तीनों फॉर्मेट में, टेस्ट में, वनडे में और T20, तीनों में पहले दो बार बनी है शॉर्ट स्पैन के लिए, लेकिन ये जो है थोड़े लंबे स्पैन के लिए भी रहेगी। और हम इसलिए बातचीत कर रहे हैं कि क्या दुनिया की जो अब तक की जो टीम इंडिया है वो अब तक की बेस्ट टीम है। हमने कई एक्सपर्ट से, क्रिकेट के जो सर्किट में लोग हैं उनसे सबसे बातचीत की, और हम कई वजह हैं जो 6 वजह आपको बताएंगे जिसकी वजह से कई एक्सपर्ट जर्नलिस्ट इसे आज तक की बेस्ट टीम इंडिया मान रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं पॉइंट टेबल। भारत जो है 122 अंकों के साथ सबसे टॉप पे है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 120, इंग्लैंड 111, और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका 99 और न्यूजीलैंड 98 पे है। तो निश्चित रूप पर हम टॉप पे हैं। हमारे साथ हमारे खेल एक्सपर्ट जो हैं, पूर्व टेस्ट क्रिकेटर सबा करीम साहब जुड़ गए हैं। सबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है वक्त निकालने के लिए इतने शॉर्ट स्पैन में। सबा, आपकी टिप्पणी, क्या ये टीम सबसे टीम है अब तक की? सबसे पहले फिर से अपने चैनल को बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा और विमल। मुझे लगा कि आप लोग भूल गए होंगे। अच्छा ये हुआ कि भारत ने इतनी बड़ी जीत दर्ज की, उसके बाद आप लोगों ने मुझे याद किया। थैंक यू सो मच। आप एक बात तो है विमल और बाबा कि ये मुझे लगता है कि पहली बार हुआ है कि तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम नंबर एक पर है। इसका मतलब ये है कि जो करंट हमारे जो क्रिकेटर्स हैं जो खेल रहे हैं, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो या वनडे हो या फिर T20 हो, उसमें हमारी टीम काफी तगड़ी हो गई है। उसके साथ साथ जो हमारे बेंच स्ट्रेंथ है तीनों फॉर्मेट में, उस तरह के खिलाड़ी हमारे पास मौजूद हैं। पर देखिए अंत में एक छोटा सा करेक्शन के लिए कर रहा हूँ कि पिछले साल भी हम तीनों फॉर्मेट में टॉप पे आए, बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए दो बार, ये तीसरी बार है। लेकिन हम वही हर एक वजह जो आप कह रहे हैं, हम हर एक वजह पे, जैसे कि 178 मैच जीतने और 178 मैच हारने का, 100% जितना आप जीते हारे हैं। पहले अगर दो दशक देखे, जब से 1930 से हमने खेलना शुरू किया था, तो हम दो दशक तक मैच ही नहीं जीते। तो ये पहली बार आया है कि हम टेस्ट मैच में जो रिकॉर्ड है उसको बराबरी की है। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है, ये पहली वजह हम बता रहे हैं। हाँ हाँ बिमल, इसी पे मैं थोड़ा टिप्पणी करना चाहता हूँ। देखिए इस बार जो होम सीरीज हुई है ना, उसका फर्क बहुत बहुत ज्यादा है, और वो इस वजह से है कि आपको भी याद होगा हम लोग जब विश्व कप के शोज कर रहे थे तब भी मैंने ये बात कही थी कि ये जो होम सीरीज होने वाली है, अगर भारतीय टीम ने ये जो होम सीरीज है इसमें अगर अच्छी विकेटें बनाई और उस पर अगर हम लोगों ने हरा दिया इंग्लैंड को, तो इसका मतलब है कि बहुत ही फेयर एंड स्क्वायर श्रृंखला हुई है। और इस बार जितने सारे वेन्यूज में मैचेस हुए हैं, हर जगह भारतीय टीम या फिर BCCI ने जो विकेट्स प्रोड्यूस किए हैं वो खेल के तीनों मुद्दों को सामने लेकर आते हैं, चाहे वो बल्लेबाजी हो गई, पेस बॉलिंग हो गई या फिर स्पिन बॉलिंग हो गई। इसका मतलब यही है कि इस बार जो विकेट्स मिले हैं काफी स्पोर्टिंग मिले हैं, और उस पर जीत दर्ज करना, वो भी इंग्लैंड की एक स्ट्रांग टीम के सामने, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो इसी को दर्शा रहे हैं कि भारतीय टीम अब इतनी ज्यादा पूरी हो गई है, कंप्लीट हो गई है, मुकम्मल हो गई है कि उनको किसी भी तरह के विकेट पर आप खिला दें, ये टीम अब तैयार है मैचेस जीतने के लिए। पर अंत में अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारी टीम नंबर एक तो है तीनों फॉर्मेट में, पर क्या हमारी टीम अब तैयार है वो विश्व कप जीतने के लिए कि नहीं, चाहे वो ICC की टेस्ट चैंपियनशिप हो या फिर वनडे क्रिकेट का विश्व कप हो या फिर T20 का विश्व कप हो। तो मुझे लगता है कि वो हमें इंतजार करना होगा विमल बाबा। एक बार हम लोग ICC चैंपियनशिप जीतने लगेंगे ना, तब मुझे कोई भी हिचकिचाहट नहीं होगी ये कहने में कि भारतीय टीम इस समय सबसे अव्वल दर्जे की टीम है। जरूर, तो ये था रीजन वन हमने जो किया था। रीजन टू अब की चर्चा करते हैं। रीजन टू है कि अब तक की जो है बेस्ट गेंदबाजी रही है वर्ल्ड वनडे वर्ल्ड कप में, सबसे ज्यादा जो विकेट लेने वालों में 10 में से 3 भारतीय रहे, तो ये जो है वो गेम चेंजर है। हमारे जो बॉलर हैं, चाहे मोहम्मद शमी हो, बुमराह हो, चाहे जडेजा हो, सिराज हो, मतलब हम दोनों फॉर्मेट भी हो, कुलदीप यादव है, युजवेंद्र चहल है, हमारे पास इतना ज्यादा बॉलिंग वैरायटी एक साथ पहले कभी नहीं देखा है। सभा सही कह रहे हैं आप कि तीनों फॉर्मेट के लिए हमारे पास गेंदबाज तैयार हैं, और कई तो ऐसे बॉलर्स हैं जैसे आप जसप्रीत बुमराह हो गए, मोहम्मद शमी हो गए, कुलदीप यादव हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए, ये मोहम्मद सिराज हो गए, ये तीनों फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस तरह
इस तरह का कुशन, इस तरह का बफर इसके पहले भारतीय टीम में कभी भी नहीं था। हम हमेशा संघर्ष करते रहते थे सही बॉलर्स को चुनने में, जो हमारे लिए 20 विकेट लें टेस्ट मैचेस में और व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी अच्छी गेंदबाजी करें। तो ये बहुत लंबे समय के बाद अब हमारी एक जो सेना तैयार हुई है, इसमें हर तरह के बॉलर्स आपके पास मौजूद हैं। और उसके साथ साथ जो गहराई हमें इस समय गेंदबाजी में नजर आ रही है, मुकेश कुमार हो गए, आकाशदीप हो गए, प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, नवदीप सैनी हो गए, और भी कई सारे युवा प्रतिभाशाली बॉलर्स हमें नजर आ रहे हैं। और कुछ एक 2 साल पहले ये कहा जाता था विमल और बाबा कि हमारे पास स्पिनर्स नहीं है, पर ऐसी बात नहीं है। अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट देखेंगे तो वहां पर शानदार स्पिनर्स भी तैयार हो रहे हैं, शानदार ऑलराउंडर्स पे काम किया जा रहा है। तो बहुत जल्दी हमें वहां पर भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। अभी भी हम लोग हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं, और वो रिप्लेसमेंट अभी तो मिला नहीं है, पर कई सारे ऐसे ऑलराउंडर्स हैं जो तैयार किए जा रहे हैं, जिसका फायदा हमें जरूर जरूर मिलेगा जब भारत ओवरसीज सेना कंट्रीज में जाएगा खेलने के लिए। तो जरूर, तो हम इस पे चर्चा जारी रखेंगे। एक छोटा सा बिल्कुल ब्रेक लेते हैं, फिर हम आएंगे कि ब्रेक हमारी बैटिंग स्ट्रेंथ क्या है और बेंच कैसी है। बैटिंग, बॉलिंग, ऑलराउंडर्स, ये सारे रीजंस पे हम बातचीत करेंगे। 6 रीजंस हम आपको बता रहे हैं, 2 रीजंस बता चुके हैं, बाकी 4 रीजंस पे हम और एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करेंगे। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि क्या मौजूदा जो भारतीय क्रिकेट टीम है वो नंबर वन टीम तो वैसे है ही, क्या हर डिपार्टमेंट में कई सारे रिकॉर्ड है। जैसे 178 मैच में 178 मैच जीते हैं अब तक, हम जितना टेस्ट इतिहास में खेले उतने ही आ रहे हैं, तो ये रिकॉर्ड बराबरी हुए। तो कई सारे ऐतिहासिक तथ्य हैं जिसकी वजह से हम ये बातचीत कर रहे हैं, कई एक्सपर्ट से भी हमने बातचीत की, और सबा करीम हमारे साथ हैं। हमने 2 रीजंस पे, 2 कारणों पे बातचीत की। अब हम करते हैं बेस्ट बैटिंग लाइनअप। सबा, जैसे विराट कोहली सीरीज में नहीं खेले, फिर भी और इंग्लैंड बैट्समैन का हुआ था, क्या हम ये मान सकते हैं? और कई सारे हमारे पास जो बेंच है बैटिंग में, ये अब तक की बेस्ट बैटिंग लाइनअप है टीम इंडिया की। और मैं इसमें 2 नाम केवल आपको जोड़ देता हूं, शुभमन गिल, यशस्वी। उसके साथ साथ इस टीम में विराट कोहली और केएल राहुल नहीं थे, वही तो बिल्कुल बल्लेबाजी में। पर देखिए, एक और गोल्डन एरा था जहां पर सचिन तेंदुलकर के साथ सौरव गांगुली, राहुल द्रविड, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, इस प्रकार के भी खिलाड़ी थे। तो ये परफॉर्मेंस वाइज अगर हम देखेंगे और मैचेस जीतने की अगर हम बात करें, तो निश्चित रूप से ये टीम आगे है, क्योंकि इसमें कई सारे नए नए प्लेयर्स हैं जिन्होंने धमाका कर दिया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो या फिर शुभमन गिल हो, या अगर हम और नीचे जाएंगे तो सरफराज खान की भी एंट्री हो गई है, देवदत्त पाटीकर ने आके रन बनाए हैं। देखिए, हम टीम को कैसे असेस करते हैं? टीम को असेस तब किया जाता है जब आप देखते हैं कि नेक्स्ट लाइन ऑफ प्लेयर्स जो हैं वो तैयार हैं कि नहीं अपनी जगह बनाने के लिए। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस समय मुझे लगता है कि तैयार हैं मोर्चा संभालने के लिए, और इसी वजह से विराट कोहली और केएल राहुल दोनों बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं, दोनों के दोनों मैच विनर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, पर इन दोनों की गैर मौजूदगी में भी भारतीय टीम ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया बल्लेबाजी में। तो ये दर्शाता है कि हमारे जो सेकेंड लाइन है जो तैयार हो रही है वो उसकी तैयारी मुकम्मल है और एक तरह से वो पूरी तरह से फिट है अब। और ये तीनों फील्ड में सभा बैटिंग में बेंच की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, टेस्ट बेंच में देखें, आप विकेटकीपर थे, विकेटकीपर में ध्रुव जुरेल आए हैं और ऋषभ पंत की जगह बन रही है, मतलब ध्रुव जुरेल की भी चांस नहीं बन रही है। केएल राहुल बाहर हो गए, ईशान किशन, मतलब इतना तो विकेटकीपर एक साथ हमारे साथ कभी नहीं था। विकेटकीपर, टेस्ट बैटिंग, बैटिंग, बॉलिंग, सब में बेंच हमारा सबसे स्ट्रांग है। बेंच इस वजह से स्ट्रांग है विमल, क्योंकि उसके पीछे बहुत ज्यादा तैयारी हो रही है। अब जिस तरह से हमारे यहाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट व्हाइट बॉल क्रिकेट में हो रही है, उसके ऊपर से जो इंडिया ए का जो सिस्टम शुरू किया गया है, उसी वजह से ये जो जितने सारे प्लेयर्स 5 डेब्यूटेंट्स रहे हैं इस श्रृंखला में विमल, इसमें 5 के 5 जो खिलाड़ी जिन्होंने खेला है इस साल इंग्लैंड के खिलाफ, ये सब के सब इसके पहले इंडिया ए के मैचेस खेल चुके हैं और कई सालों से खेलते आ रहे हैं, तो उनको पूरी तरह से टेस्ट किया गया है, उसके बाद उनको मौका मिल रहा है। तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि खिलाड़ियों को पहले टेस्ट नहीं किया जाता है, उनको टेस्ट किया जाता है, उसके बाद ही ये अल्टीमेट टेस्ट में उनको खिलाया जाता है जहां पर उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। इसी वजह से मुझे लगता है कि हमारी टीम इस वजह से मजबूत है, क्योंकि हमारा बेंच स्ट्रेंथ जो है वो काफी तगड़ा हो रहा है। गेंदबाजी की हमने बात की इस समय, बल्लेबाजी में अगर आप देखें तो शानदार है, विकेट कीपर में भी वही हाल है, कई ऐसे शानदार विकेट कीपर। एक माफी चाहता हूँ, आपको रोकना हूँ, लास्ट में एक कैप्टन की भी बात कर लेते हैं। जिस ढंग से कैप्टनसी की है रोहित ने, बहुत बहुत सोशल मीडिया पे बहुत चीज चल रहा है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम डैट, लेकिन वो अपनी टीम को अच्छी तरह से, सारे बच्चों को अच्छी तरह से संभालते हैं, चाहे उस पर आप डिबेट कर सकते हैं, लेकिन अच्छे तरह से उनको उनको
परफॉर्म करने के लिए बाध्य कर देते हैं। आईसीसी की ट्रॉफी भले नहीं मिली है, लेकिन अगर परसेंटेज विन देखे तीनों फॉर्मेट में तो सबसे आगे निकल रहे हैं वो, 85 मैच जीते 115 मैच में। हाँ, पर अगर हम लोग राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह से या मोहम्मद शमी से पूछेंगे, आर अश्विन से पूछेंगे या जडेजा से पूछेंगे जो काफी सालों से खेलते आ रहे हो, सबके अंदर यही कामना होगी कि आईसीसी चैंपियनशिप जीतना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि जिस तरह का प्रदर्शन इस साल होम सीरीज में हुआ है, मुझे यकीन है कि आने वाले जो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होने वाला है जो कि इंग्लैंड में होगा फिर से नेक्स्ट ईयर, उसमें हमारी जीत इस बार होनी चाहिए, तब हम लोग निश्चित रूप से कह सकते हैं। उससे पहले T20 वर्ल्ड कप है और इन सब के रीजन के पीछे उसके पहले वर्ल्ड कप है। रोहित शर्मा के बारे में बाबा ने कहा कि वो भी यही चाहेंगे कि भाई अब वो विश्व कप की हार के बाद यहाँ पे जो दो आने वाले समय में जो विश्व कप होने वाला है, एक सभा हमारे पास वक्त कम है, एक छठी वजह भी बता देते हैं। जो पैसा मिला है खासकर टेस्ट को बचाने की जो कोशिश की गई है, करीब करीब 6 करोड़ रुपया मैच फीस के जरिए ही अगर एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है इंसेंटिव्स के तौर पे, एक कप्तान जो पूरा या जो खिलाड़ी 200 मैच खेलता है एक साल में, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है टीम को बेस्ट बनाने की। बहुत बड़ी वजह है विमल, पर आज कल राहुल द्रविड़ ने बहुत अच्छी बात कही कि ये इंसेंटिव नहीं है, ये सिर्फ रिवॉर्ड है आपके अच्छे काम करने का। तो खिलाड़ी जो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं उनको यही सोचना होगा कि अगर हम टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे और अच्छा करेंगे तो ये हमारे लिए रिवॉर्ड है। पैसा आपके लिए इंसेंटिव नहीं हो सकता है टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट सबसे सबसे कठिन ये फॉर्मेट है। यहाँ पर तैयारी करने के लिए, यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है और सालों साल उस मेहनत में लगना पड़ता है, उसके बाद आपका सपना पूरा होता है। नहीं सब ठीक बात है, लेकिन चलिए आईपीएल से ही पैसा नहीं कमा सकते, आपको टेस्ट भी खेलेंगे तो आपको कुछ पैसे तो मिलेंगे, ये हमारा कहने का मतलब था। सभा, आपने वक्त निकाला बहुत ही कम समय के नोटिस पे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, माफी चाहता हूँ, आज इतना ही वक्त है। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट।